subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम करेंगे 10th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 13 का अनदर टॉपिक जो है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. और उसमें हम पहली एप्लीकेशन डिस्कस करने जा रहे हैं बड़ी डिटेल के साथ. वीडियो भी दिखाऊंगा आपको, एनिमेशन भी दिखाऊंगा, पिक्चर्स भी दिखाऊंगा, सारी चीजों से आपको क्लियर किया जाएगा आज का टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर. इससे पहले क्या हम इस लेक्चर की जाने बढ़े, अगर आपने पूरा चैप्टर पीछे से सीखना है, आप पहले ही वीडियो पर यहाँ इस चैनल पर आए हैं तो पूरी वीडियोस अगर आपने पीछे देखनी है तो यहाँ मौजूद लिंक पर क्लिक कीजिए और सारा चैप्टर एक्सेस कर लीजिए. पहले उस चैप्टर को गो थ्रू कर लीजिए, चार्जेस क्या है, कैसे प्रोड्यूस होते हैं, कूलम्स लॉ क्या है इसके मुतालिक, फिर कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन, ये सारा कुछ मैं इस चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है, ये सब कुछ. फिर हम आते हैं आज की हमारी पहली एप्लीकेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर. आप जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हमने जाना था कि चार्जेस को रेस्ट की हालत में स्टडी किया जाता है अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस. जी हाँ, चार्जेस के एक दूसरे के ऊपर लगने वाली फोर्सेस के नतीजे में चार्जेस को रेस्ट की हालत में स्टडी करना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है. बहुत सारी इसकी एप्लीकेशंस हैं, यहां भी आप पढ़ेंगे और बहुत सारी एप्लीकेशन सेकंड ईयर के अंदर चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ेंगे. जी हाँ, सेकंड ईयर के अंदर ये चैप्टर नंबर 1 है. एप्लीकेशंस में कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं याद रखिएगा, फोटोकॉपियर मशीन, इंकजेट प्रिंटर हो, जैसे आपके सामने आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर. इसके बाद पेंटिंग ऑफ कार्स, कारों को जो पेंट किया जाता है, नई नवेली जो कारें आप खरीदते हैं उनके ऊपर जो पेंट हुआ हुआ होता है, ये सारी एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्रिंसिपल पर ये सब कुछ होता है. आइए मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है और ये कैसे काम करता है. देखिए, जिन लोगों को सांस का प्रॉब्लम होता है, यानी थोड़ी सी भी डस्ट वाली जगह पर चले जाए तो खांसी आना शुरू हो जाती है, जिसे हम अस्थमा कहते हैं. अस्थमा बहुत आप जानते हैं प्रॉब्लमेटिक है, बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं लोगों को, खासतौर पर ये जो मौसम चल रहा है इसमें मुख्तलिफ पोलन से होता है, मुख्तलिफ डस्ट पार्टिकल से होता है, एयरबॉर्न पार्टिकल से होता है. इन सब से क्या होता है जी, सांस की बीमारियां, इनके जरिए मुख्तलिफ किस्म के इश्यूज भी आ सकते हैं. कोरोना वायरस जैसे वायरसेस भी एयरबॉर्न पार्टिकल्स के जरिए आपकी बॉडी में जा सकते हैं. तो इन सब से इंसान अपने आप को महफूज रखने के लिए, डस्ट पार्टिकल से महफूज रखने के लिए, सांस की बीमारियों, लंग्स की बीमारियों से बचने के लिए, आप जानते हैं डस्ट के अंदर कितनी स्मेल भी है, बदबू भी है, उससे बचने के लिए आप एक क्या करते हैं, एयर क्लीनर का इस्तेमाल करते हैं. आजकल बहुत इन हो चुका है, आजकल बहुत ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर आप ऑफिसेज में काम कर रहे हैं, वहां पर स्कूल्स के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर अपने रूम्स को क्या करने के लिए, साफ शफाफ और डस्ट पार्टिकल से महफूज रखने के लिए, और किनका इस्तेमाल किया जाता है, एयर क्लीनर्स का. आइए जानते हैं कि एयर क्लीनर्स एक्चुअली काम कैसे करते हैं, साथ में आपको एनिमेशन भी दिखाऊंगा कि होता कैसा है. देखिए, इस एयर क्लीनर के अगर हम चेक करें आप बाहर से, तो इस तरह के आप जानते हैं प्लास्टिक कवर भी होगा सारा सिस्टम, ठीक है. इसमें है क्या, गौर कीजिएगा, इसमें एक मेटेलिक प्लेट है, दो मेटेलिक प्लेटें हैं साइड पर, ठीक है, बिल्कुल इस तरह से कवर्ड दो मेटेलिक प्लेट्स हैं. इन दोनों मेटेलिक प्लेट्स को हमने नेगेटिव चार्ज किया हुआ है. नेगेटिव चार्ज कैसे करते हैं, अगर आप एक तार यहां से एक तार यहां दे के करंट दे दें तो क्या हो जाएगी, दोनों नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, यानी इनमें से करंट गुजर रहा है. दीज आर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स का बहाव है इसके अंदर. ये दोनों जो प्लेट्स हैं हमारे पास मेटेलिक प्लेट्स, ये नेगेटिवली चार्ज हो गई. दरमियान में एक आपको जाली सी नजर आ रही है, इसे मैश कहते हैं. जी हाँ, ये मैश जाली कह ले आप, ठीक है, मेटेलिक मैश. इसके लिए वायर गाज का लफ्ज भी यूज होता है. वायर गाज आप अक्सर कभी खुदा ना खास आपको चोट लग जाए या कभी हॉस्पिटल में आप पेशेंट के साथ गए हो, चोट लग जाए पायोडीन लगाने के बाद जो वो पट्टी वाइट कलर की रखते हैं वो गाज होता है, ठीक है. छोटे 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 उसके अंदर आप देखें लाइनें लाइनें लगी होती हैं, जिस तरह से एक पूरी जाली सी होती है, बिल्कुल जाली नुमा. ये आपके पास एक मैश है, वायर आप जानते हैं मेटल की मैश है, कॉपर की, सिल्वर की, स्टील किसी भी तारों की बनाई हुई ये मैश है. अब इसका काम क्या है, मेटेलिक प्लेट्स का क्या काम है, इस मैश का क्या काम है, इस जाली का क्या काम है. ऐसी ही जाली आपने देखा होगा एयर कंडीशनर एसी के अंदर होती है, जो इंडोर होता है. आप जानते हैं इंडोर जितना गंद है, जितना इस कमरे के अंदर
अंदर है, उन जालियों के अंदर आप देखेंगे 15 दिन बाद, महीने बाद उन जालियों को हम निकालते हैं, वॉश आउट करते हैं, साफ करते हैं, फिर दोबारा लगाते हैं। बिल्कुल उसी तरह की यहाँ पर वो आप जानते हैं प्लास्टिक में है, ये मेटेलिक आपके पास है, क्या है, मैश है, वाइल्ड गैस कह सकते हैं। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसे पॉजिटिव चार्ज किया गया है, यानी इसको कौन सा चार्ज प्रोवाइड किया गया, पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ही बटन ऑन करेंगे, जैसे ही कमरे के अंदर जैसे यहां लगा होता है एग्जॉस्ट फैन इस तरह से दरमियान में, ये छत में लगा होगा आपके पास एयर क्लीनर, बटन ऑन करेंगे क्या होगा, बटन ऑन होने पर ये कमरे की हवा को एक्सट्रैक्ट करेगा, यानी इनलेट, इसमें हवा जाना शुरू हो जाएगी, कमरे में एक तरफ से जाएगी दूसरी तरफ से निकलती आएगी, साफ शफाफ होके फिल्टर होके, फिल्टर का काम कर रहा है, जैसे बाइक के अंदर गाड़ी के अंदर फिल्टर होता है, इसी तरह से जैसे पानी वाला फिल्टर होता है जो पानी में से गंद निकालता है, घरों में फिल्टर बहुत यूज होते हैं, हवा दाखिल हुई, हवा कंटेमिनेटेड हवा है, कंटेमिनेटेड मतलब जिसके अंदर गंद है, ऐसे पार्टिकल्स हैं, एयरबॉर्न पार्टिकल्स आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहे होंगे, ऐसे पार्टिकल जो आपको नजर नहीं आते, इनका मैस बहुत थोड़ा सा है, लेकिन ये हवा के साथ, गैसेस के साथ, कार्बन ऑक्सीजन इन सब गैसेस के साथ अगर हमारी बॉडी में चले गए, हमारे लंग्स में चले गए, तो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, इनकी मिकदार अगर बहुत ज्यादा हो गई तो ये डेंजरस हो सकती है, सांस की बीमारियां हो सकती हैं, सो मसले हो सकते हैं, तो इनसे जान छुड़वानी है, हो सकता है शायद करीब फैक्ट्री हो, इंडस्ट्री हो, उस वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, और गाड़ियों के फुसले की वजह से, गाड़ियों के धुएं की वजह से हो रहा है, 100 रीजंस हो सकती है जिसकी वजह से हमारी एयर कंटेमिनेटेड हो चुकी है, गंदी हो चुकी है, इसके अंदर एयर बॉर्न पार्टिकल्स हैं, जैसे सहराओं के अंदर चलती है तूफान आते हैं रेत के, वो हवा के अंदर आप जानते हैं रेत के जरात होते हैं, वो भी एयर बॉर्न पार्टिकल्स हैं, ऐसे ही जैसे हमारे यहाँ आंधी आती है उसमें भी हवा के अंदर गंद सारे का सारा जा रहा होता है, लेकिन वो तो नजर आता है, लेकिन ये ऐसे पार्टिकल हैं जो डेंजरस हैं, जो नजर नहीं आ रहे, ऐसे ही वायरसेस भी हमारी बॉडी में जा सकते हैं, तो एयरबॉर्न पार्टिकल्स जो हैं, एयरबॉर्न पार्टिकल्स जो हैं अलोंग विद हवा, एयर के साथ, हवा के साथ, गैसेस के साथ साथ अंदर जब जाएंगे, तो गौर कीजिएगा, जब ये अंदर दाखिल होंगे, जब ये अंदर दाखिल होंगे तो इस मैश के साथ टकराएंगे, यानी इस मैश में से जब गुजरना पड़ेगा हवा के पार्टिकल्स को भी और एयरबॉर्न पार्टिकल्स को भी, डस्ट पार्टिकल्स को भी, इस कहां से गुजरना पड़ेगा, इस जाली में से जिसका नाम वायर गाज है, या इसे मैश कह लीजिए, मेटेलिक मैश, जब इसमें से गुजरेंगे तो एयरबॉर्न पार्टिकल जो है अभी थोड़े बड़े हैं, आम कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के पार्टिकल से, आम गैसेस से थोड़े बड़े साइज में है, थोड़े क्या बहुत ज्यादा बड़े साइज में है, जब वो इस मैश में से गुजरेंगे तो इसका मतलब इनके ऊपर भी क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। हवा के पार्टिकल जो साफ सुथरे शफाफ और टाइनी साइज में है वो इस मैश में से गुजर जाएंगे, उस जाली में से गुजर जाएंगे, जैसे दानों को मुख्तलिफ चीजों को छन्नी में से गुजारा जाता है, तो छन्नी में से क्या होता है जी, आपने देखा होगा छोटे मोटे कंकर तो नीचे जो गुजर जाते हैं, बड़े बड़े ऊपर आ जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जो डस्ट पार्टिकल्स हैं कंटेमिनेट जिन्होंने किया हुआ है, हवा को गंदा किया हुआ है, वो डस्ट पार्टिकल्स, वो आपके पास एयरबॉर्न पार्टिकल्स, वो इस मैश से गुजरने पर उन पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। अब क्या होगा, अब इनको एक और जाली में से गुजरना पड़ेगा, दिस इज आल्सो मेटेलिक प्लेट। अब इस जब मेटेलिक प्लेट में से गुजरेंगे या मेटेलिक प्लेट की तरफ जाएंगे, इसमें से गुजर के जाना है, ये भी छन्नी की तरह इसमें से गुजरेंगे, तो क्या होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इस जो प्लेट है इसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट चीजर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यही तो है, यही इसी वजह से तो ये एप्लीकेशन है, एयर क्लीनर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्रिंसिपल यूज हो रहा है, चार्ज किया और डस्ट पार्टिकल्स को लैदा कर लिया, फिल्टर कर लिया, अंदर ही जाली के अंदर रुके, यानी जो डस्ट पार्टिकल्स कंटेमिनेटेड थे, कंटेमिनेट जिन्होंने किया हुआ था हवा को, पॉजिटिव चार्ज होने के बाद जब इस मेटल प्लेट में से दूसरी जाली में से गुजरे तो वो नेगेटिवली चार्ज थी, उसने सारे पॉजिटिव चार्ज को पकड़ लिया, भाई किधर जा रहे हो, किधर जा रहे हो, हाँ जी इधर ही, सारे डस्ट पार्टिकल यहीं रुके, नतीजा पीछे फिल्टर्ड साफ सुथरी हवा, बिल्कुल साफ सुथरी हवा, बिल्कुल शफाफ हवा, जिसमें वो डस्ट पार्टिकल्स नहीं है, जिसमें वो एयर बॉर्न पार्टिकल्स नहीं है, कंटेमिनेटेड एयर नहीं रही, अब क्या होगा, वो पार्टिकल्स हवा गैस इस तरह से दाखिल हुई थी, इधर से आउट होगी और कमरे के अंदर क्या होगा, साफ शफाफ हवा फैल जाएगी और सारी जो गंद और सारा जो डस्ट पार्टिकल्स थे, आइट विल टेक सम टाइम, कुछ टाइम लगेगा इसको करने में, सारी हवा को फिल्टर करने में, और इस तरह से हवा उस कमरे की, उस रीजन की क्या हो जाएगी, वो डस्ट से पाक हो जाएगी, साफ हो जाएगी, फिर हमें उस
एयर क्लीनर को उतार के उसकी जो जाली है जिसे हम मेटेलिक मैश कह रहे हैं या वायर गेज गाज कह रहे हैं उसको साफ करना होगा, जो पॉजिटिवली चार्ज है स्विच ऑफ कर दीजिए, सारा सिलसिला बंद हो जाएगा। दैट इज हाउ अ एयर क्लीनर वर्क्स। आप देख सकते हैं एयर क्लीनर में हवा जा रही है, जैसे एसी हवा फेंक रहा है इसी तरह से इंडोर जो करता है ऐसे ही वो हवा अंदर लेके जा रही है और साफ सुथरी हवा भेज रही है। और इसमें ये सारा प्रोसेस है, इनलेट से दाखिल हुए डस्ट पार्टिकल अलॉन्ग विद एयर, डस्ट पार्टिकल का साइज बड़ा है, इस मैश से गुजरेंगे इन पे पॉजिटिव चार्ज टकराने पर, पॉजिटिव चार्ज आएगा जब इस मैश से इस जाली में से इन प्लेट्स में से गुजरेंगे, ये फिल्टर होना है और फिर बाहर निकलना है, तो यहाँ सारे पॉजिटिव चार्ज चिपकते जाएंगे यानी वो डस्ट पार्टिकल नहीं रुक जाएंगे और नतीजा साफ सुथरी हवा बाहर आउटलेट से बाहर निकल जाएगी। ये सारा प्रोसेस है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि किस तरह से एयर क्लीनर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्रिंसिपल को, चार्जिंग के प्रिंसिपल को, पॉजिटिव नेगेटिव के प्रिंसिपल को यूज करते हुए एयर क्लीनर कैसे काम करता है। ये था प्रोसेस, ये थी पहली एप्लीकेशन। हाजिर होंगे अगली वीडियो में, हम बात करेंगे किस तरह से कार पेंटिंग जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की दूसरी एप्लीकेशन है। आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ लेक्चर पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स जरूर करके अपनी राह के मतलब बताइए क्या आप चाहते हैं कि मजीद होना चाहिए या क्या कोई टॉपिक आपकी डिमांड का है वो बताइए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका अपना चैनल है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।